इंडिया पोस्ट न्यूज, जज्बा सच दिखाने का। प्रेम प्रसंग के चलते दुल्हन अपने आशिक को लेकर शादी के मंडप से हुई फरार। जिला संवाददाता आपको बता दे कि विदाई के दिन प्रेमी के साथ फरार हुई दुल्हन। दुल्हन के प्रेमी के साथ भाग जाने के बाद लड़की के परिजनों ने दुल्हन की छोटी बहन से शादी कराने का रखा प्रस्ताव। छोटी बहन के नाबालिग होने के कारण दूल्हे के परिजन बिना दुल्हन लिए लौटे वापस। पूरा मामला है, ग्राम पंचायत सुरौंधा से गई बारात बिना दुल्हन लिए लौटी वापस। सूत्रों के जानकारी के मुताबिक शंका जताई जा रही है कि लड़की का अफेयर किसी पटेल के लड़के के साथ चल रहा था, जिस कारण शादी के दिन लड़की ने अपने आशिक को बुलाकर लड़की शौच क्रिया करने के बहाने से घर से निकलकर अपने आशिक के साथ फरार हो गई। इस बात की जानकारी जैसे ही परिवार को मिली, पूरे परिवार में कोहराम मच गया। उधर लड़की के परिवार को इस बात की कोई शंका नहीं थी कि उसकी लड़की उनके मुंह पर कालिक पोत कर भाग जाएगी। उधर नाराज दूल्हे के पिता ने लड़की के पिता के खिलाफ थाने में दी तहरीर। मऊ थाना क्षेत्र के सुरौंधा से मवई खुर्द गांव की गई परात। चित्रकूट से रहमत अली की रिपोर्ट। क्या हुआ? कहाँ बारात लेके गए? मवई चित्रकूट थाना मऊ। तो मतलब आप बारात लेकर कब गए थे, कौन सी तारीख को? तो क्या हुआ वहाँ पर? भग गई। किसके साथ भग गई? क्या नाम है? नाम बताए। अच्छा, पटेल के साथ वो भाग गई। तो आप लोग बारात वापस ले आए, तो क्या है, आप क्या कहें? मतलब बारात आपकी वापस कर दिया गया, धूमधाम से आप पहुंचे थे लड़की के घर कि पहले बता दिया गया था? बारात लेकर आप पहुंच गए थे ना द्वार चाल तक? अच्छा, द्वार चार हो गया था गोली भर। तो क्या क्या बताया गया? अच्छा, आपका क्या नाम है? अजय कुमार। कहाँ रहते हैं आप? कहाँ रहते हैं?